हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी जनरल स्टडीज़ के 31 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज टेस्ट नंबर 32। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लास्ट तक देखा करिए टेस्ट, ताकि आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या कोई और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी आपको मिलेगा। और जो हमारे दोस्त हैं जिनका अभी 13 नवंबर को एग्ज़ाम है, उनके लिए एक व्हाट्सएप नंबर अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आपका सब्जेक्ट क्या है। आपका सब्जेक्ट जो है वो हिंदी में है, इंग्लिश मीडियम में है, मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी या इंग्लिश, आप ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर दीजिए। आपको आपके ईमेल आईडी पे, अगर हमारे पास आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड टेस्ट हैं तो वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। जनरल स्टडीज़ के तो आपको कर ही दिए जाएंगे, लेकिन ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। सो आप करिए, आपसे वेरीफाई करवा लिया जाएगा और उसके बाद आपको ईमेल आईडी सेंड कर दिया जाएगा। लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज इज वाइडली यूज इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो इन बिजनेस? कोबोल, फोर्ट्रन, पास्कल, LISP, LISP। देखिए, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग और बिजनेस तीनों में यूज लिया जाता है? वो लैंग्वेज है पास्कल लैंग्वेज, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो कोबोल है, कोबोल एक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसको सिर्फ जो कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग है बिजनेस में, एक डेवलप बिजनेस की एक ओरिएंटेड एप्लीकेशन डेवलप करना या कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग के जो एरियाज हैं उन्हीं में इस कोबोल को यूज लेते हैं। इसका नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रन की बात करें तो ये एक जनरल पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है। ये भी एक लैंग्वेज है, स्पेशली जो न्यूमेरिक कंप्यूटेशन है या साइंटिफिक कंप्यूटेशन है उसमें इसको यूज लिया जाता है फोर्ट्रन का। फोर्ट्रन को, इसको ओरिजिनली डेवलप किया था IBM ने। IBM ने इसको 1950s में इसको डेवलप किया था फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। और ये इसका डोमिनेशन जो है साइंटिफिक कंप्यूटिंग में ही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, पास्कल। हु वॉज द पोलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे? देखिए, महात्मा गांधी जी को यूज टू सीक द ओपिनियन, उनको कोई राय लेनी थी थ्रू द लेटर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो वो अपने राय लेते थे जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले से। ये उनके पोलिटिकल गुरु माने जाते हैं। Who founded the organization Servants of Indian Society? Servants of Indian Society की स्थापना इस organization की किसने की है? देखिए, Servants of Indian Society की स्थापना की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसकी स्थापना की है पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इसकी स्थापना कब की थी? ये की थी 12 जून 1905 को। गोपाल कृष्ण गोखले पहले जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी उसमें थे। उन्होंने लेफ्ट किया डेक्कन एसोसिएशन एजुकेशन सोसाइटी को और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाया। Which of the following event was the reason for the withdrawal of non-cooperation movement? जो असहयोग आंदोलन था
उसको विड्रॉ क्यों कर लिया गया, उसके पीछे रीज़न क्या था। देखिए, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको विड्रॉ करने के पीछे रीज़न था चौरा चौरी इंसिडेंट। ये जो चौरी चौरा इंसिडेंट है, इसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था और उसके बाद से गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। हम्पी चैरियट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। हम्पी चैरियट ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये किस राज्य में है? देखिए, भारत में तीन तरह के जो प्रसिद्ध पत्थर हैं या जो चैरियट है, ये है पत्थर रथ। जो ये तीन तरह के पत्थर रथ हैं, एक तो हम्पी में है, दूसरा आपने सुना होगा कोणार्क, कोणार्क उड़ीसा, और तीसरा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ पे है? महाबलीपुरम है तमिलनाडु। ये तीन पत्थर रथ फेमस हैं और इनका निर्माण किसने करवाया था? ये जो चैरियट है, हम इनका निर्माण करवाया था विजयनगर के जो राजा थे, राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय ने यह हम्पी चैरियट का, उन्हीं के आदेश पे इनका निर्माण हुआ था। और इनको क्या माना जाता है, जो ये हम्पी चैरियट है, इनको आधिकारिक जो वाहन गरुड़ है भगवान विष्णु का, उसको समर्पित है ये। सो हम्पी कहाँ पे है? हम्पी ये है कर्नाटका में। हम्पी के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको, ये पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष यहीं मिले थे हम्पी में, जिससे पता चला था कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही हुई है। और मध्य में ये है, जो कर्नाटक में जो तुंगभद्रा रिवर है, तुंगभद्रा बेसिन कहे, वहाँ पे था। विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया? इनमें से किस कंपनी ने वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया इंट्रोड्यूस किया है अभी? देखिए, ये किया है जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ए दिस वन। इट हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये जो IFFCO है, ये कहाँ पे है? ये है कलोल, कलोल में है। क्वेश्चन आए, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर भी यही है, कलोल में। और ये कहाँ है? ये है गुजरात में। ऑन समर सोल्स्टिस सन्स रे फॉल परपेंडिकुलर ऑन विच अमंग द फॉलोइंग सर्कल्स? आपने सुना होगा ग्रीष्म संक्रांति, इस तरह की टर्म्स। तो 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, जब ये समर सोल्स्टिस होता है, ये सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है। 21 जून है ये सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है। और उसी दिन ये नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, उत्तरी गोलार्ध में, और सदर्न जो हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या फिर उस दिन है जो जो सदर्न ये है, वो दक्षिणी गोलार्ध, उसमें सबसे छोटा दिन होता है समर सोलिस्टिस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इस्थमस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन यूके एंड स्पेन? देखिए, ब्रिटेन और स्पेन के बीच में इनमें से किस पे विवाद है? 1704 में, 1704 में जो स्पेन है, स्पेन हार गया था। किससे हार गया था? एंग्लो डच फोर्सेज से हार गया था स्पेन। और 1713 में
ऑफिशियली जिब्राल्टर को लंदन को दे दिया गया था, लंदन को सौंप दिया गया था यूके को। अब स्पेन क्या है कि इसको वापस चाहता है, उस टाइम हार गया था, फिर इन्होंने वापस इसको यूके को दे दिया लंदन को 1713 में, लेकिन अब स्पेन इसको वापस चाहता है। हालांकि इस पे 2 बार जनमत संग्रह हो चुका है, 2 बार जनमत संग्रह जिब्राल्टर पे हो चुका है 1968 और 2002 में। और जिब्राल्टर के लोगों ने जब यहाँ पे वोटिंग हुई तो जिब्राल्टर के लोगों ने है जो स्पेनिश के बजाय ब्रिटिश शासन के अधीन ही जाना चूज किया। तो वैसे भी ये ब्रिटेन के अंडर में है और वहाँ के लोगों ने भी ब्रिटेन के फेवर में वोट किया था। इसका महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो भूमध्य सागर है वहाँ पे है, इसलिए एक कमर्शियल इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, ट्रेड के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, इसलिए डिस्प्यूट अब ज़्यादा हो गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा इस्थमस ऑफ जिब्राल्टर। इस्थमस क्या होता है? स्थल डमरू मध्य, आपने सुना होगा जल डमरू मध्य, वैसे ये स्थल डमरू मध्य है। विच अमंग द वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। आपके फंडामेंटल राइट्स की गारंटी इनमें से कौन सा सही होगा? इसका आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आप प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एज पर आर्टिकल 32, आप रिट लगा सकते हैं, और हाई कोर्ट जा सकते हैं एज पर आर्टिकल 226, और इसी को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गांधीयंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इनमें से कौन से गांधी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक तत्व, उनकी बात हो रही है। देखिए, जब भी कोई सोशल स्कीम वगैरह या इम्प्लीमेंट की जाती है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जरूर ध्यान में रखा जाता है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ली गई है, तो इनमें से कौन सी जो गांधीयन फिलोसफी के हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन पे चर्चा करते हैं। देखिए, गांधीयन प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 है संविधान का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम सभाओं का गठन। ये जो विलेज पंचायत है ये आर्टिकल 40, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनका प्रमोशन, ये आर्टिकल 43, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आर्टिकल 46, 46 क्या कहता है कि जो बैकवर्ड सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, SC ST, ये इनको सोशल इनजस्टिस नहीं हो, एक्सप्लोइटेशन नहीं हो, इनको इनका प्रोटेक्शन हो। सो प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये है आर्टिकल 46, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है। आर्टिकल 47, ये सभी हम नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 47 है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ, दिस इज आर्टिकल 47। स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह ये प्रोहिबिशन है, ये गांधी जी का प्रिंसिपल है। आर्टिकल नेक्स्ट गांधी के प्रिंसिपल में जो आता है आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ स्लेटर ऑफ काव, जो गाय है उनका प्रोटेक्शन, काव काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। सो अब देखते हैं हम हमारे ऑप्शन। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत सही है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन,
ये डीपीएसपी में है नृत्य निर्देशक तत्वों में, लेकिन गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, सो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और नहीं तो आर्टिकल तो ध्यान में रखना आप। गांधी जी से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये हमें ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनमें से जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नीति निर्देशक तत्वों से ही हुआ है, कहीं ना कहीं उनको नीति निर्देशक तत्वों से ही लिया गया है। देखिए, प्लानिंग कमीशन, ये बिल्कुल सही है, इसका जिक्र नीति निर्देशक तत्वों में था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल ये भी डीपीएसपी से ही लेके इम्प्लीमेंट किया है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 92, जो लेबर है उसके लिए मिनिमम वेजेज एक्ट होना चाहिए कि मिनिमम इतना तो इनको पे किया जाएगा। सो ये सारे ही जो हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट नीति निर्देशक तत्वों से हुआ है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? देखो, ये जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट है, वैसे तो ये काफ़ी टाइम से रिलीज हो रही है, लेकिन ये चर्चा में अभी आई है, और ये चर्चा में आई है मई 2021 में, क्योंकि जीएसटी का जो अप्रैल का कलेक्शन था वो हाईएस्ट कलेक्शन था, और इसको हाईलाइट किया है इस रिपोर्ट में, इसकी वजह से ये रिपोर्ट चर्चा में रही है। ये रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट आती है, ये मंथली बुलेटिन है, ये किसका है, ये जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी रिपोर्ट है ये, आरबीआई। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल टीवी रिपोर्ट? देखिए, अभी जो ग्लोबल टीवी रिपोर्ट है, इसमें काफ़ी जो एक चिंताजनक बात है वो ये है कि अप्रोक्सीमेट 1.5 मिलियन पीपल 2020 में टीबी की वजह से मर चुके हैं, उनकी मौत हुई है ट्यूबर क्लोसिस की वजह से। ये एक बहुत डेंजरस डेटा है, और ये रिपोर्ट अभी रिलीज़ की है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ग्लोबल टीवी रिपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल टीवी रिपोर्ट है, ये हर साल रिलीज होती है, ईच ईयर, और जो ये डेटा है 1.5 मिलियन, ये लगभग 30 कंट्रीज के डेटा हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG? NSG के जो अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? देखिए, इसके डायरेक्टर जनरल हैं, सीनियर IPS ऑफिसर हैं ये, MA गणपत, ये इसके डायरेक्टर जनरल है अभी NSG की। ये जो कुलदीप सिंह जी हैं, कुलदीप सिंह जी ये भी एक IPS ऑफिसर हैं, और ये डायरेक्टर जनरल है किसके? CRPF के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह, ये भी हमें ध्यान में रखना है। न्यू स्पीसीज ऑफ स्किंक वाज फाउंड फ्रॉम वेस्टर्न घाट, व्हाट इज स्किंक? देखिए, जो ये स्किंक है, इसकी अभी एक नई स्पीसीज मिली है वेस्टर्न घाट में, और ये सांप की तरह रेंगने वाली, एक चिकने शरीर वाली छिपकली होती है, चिकना शरीर वाली छिपकली होती है, इसकी अभी यहाँ पे स्पीसीज मिली है वेस्टर्न घाट में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा रेप्टाइल। ये रेयर स्पीसीज है, इसलिए चर्चा में है।
वॉट इज द नेम ऑफ फिश दैट हैज बीन कॉट इन उत्तर प्रदेश बिहार एंड झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 decades. 30-35 सालों में पहली बार ये मछली यूपी बिहार और झारखंड में मिली है. देखिए ये हिल्सा फिश है. हिल्सा फिश ये बांग्लादेश की नेशनल फिश बोला जाता है इसको, हिल्सा फिश को. ये एक तरीके से जो लीडर्स हैं उनको गिफ्ट में दिया जाता है, दिया हुआ है पहले भी. जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उसने कई हमारे जो इंडियन लीडर्स हैं उनको ये एज ए फेवरेट गिफ्ट भी किया हुआ है ये हिल्सा फिश. ये एक्चुअली ये फिश जो है इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो अंडे देती है, अंडे जो स्पॉन्स अंडे देती है, ये अंडे देती है रिवर में. और ये रहती कहाँ पे है, ये हिल्सा फिश है, ये पाई जाती है सी में, ओशियन सी वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है. अभी ये इस यूपी बिहार और झारखंड में मिली है इसलिए काफ़ी चर्चा में, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. मीरम्बाका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडिया जो फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन, फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन ये किसने एडवोकेट किया, जो मीरम्बाका है इसको एडवोकेट किया है अरविंदो घोष ने. एटीट्यूड्स कंसेप्ट स्किल एंड नॉलेज ये किसके प्रोडक्ट है, एटीट्यूड कंसेप्ट स्किल एंड नॉलेज ये दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग. द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है, आप ध्यान रखिए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन किसी सर्वे के लिए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन को सेलेक्ट करना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन. द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्चर सीइंग ओनली व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी इज कॉल्ड. देखिए किसी भी फील्ड में अगर आप जो जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलेंगे तो उसको बायस्ड बोला जाता है. और रिसर्च के फील्ड में अगर रिसर्चर्स सिर्फ वही देखेंगे जो वो देखना एक्सपेक्ट करते हैं तो उसको रिसर्चर्स बायस बोला जाएगा. अल नीनो एंड ला नीनो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग. देखिए अल नीनो और ला नीनो, ला नीनो क्या होता है, ला नीनो एक्चुअल में ये एक स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश भाषा है ला नीना. ला नीना का मतलब होता है एक छोटी लड़की. और आप इसको ध्यान रखिए एक शीत घटना भी कहते हैं इसको. ये जो ला नीना घटनाएं हैं ये कहाँ पे होती है, जो ईस्टर्न सेंट्रल और ईस्टर्न जो विषुवतीय प्रशांत महासागर है उसमें होती है ये. इसमें जो समुद्र का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है. पूर्वी प्रशांत महासागर में जो टेम्परेचर है जल का वो सामान्य की तुलना में कम हो जाता है, उसी को ला नीनो बोलते हैं. तो ला नीनो ध्यान रखना आपको टेम्परेचर कम हो जाता है, शीत घटना है. बात करते हैं अल नीनो की. अल नीनो क्या है, अल नीनो एक छोटा लड़का, ये भी स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है एक छोटा लड़का. और इसमें क्या होता है कि जो वाटर टेम्परेचर है समुद्र का, जो तटीय एरिया है उसका टेम्परेचर गर्म गर्म होने लगता है, जलवायु परिवर्तन होने लगती है वहाँ पे. एक नियमित चक्र नहीं है, हालांकि ये इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसको कभी कभी ये 2 से 7 साल में भी होता है, लेकिन इस बार इसकी प्रेडिक्शन की है कि इस बार ला नीनो अल नीनो होगा. ये जो अल नीनो है ये सबसे पहले जो पेरू कोस्ट है उसके जो मछुआरे हैं उन्होंने नोट किया था कि समुद्र में जो सतह है उसमें कुछ असामान्य रूप से पानी गर्म हो रहा है,
तो ये अल नीनो है, लानिनो शीत और अल नीनो गर्म। इसका आंसर होगा चेंजेज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन इन ग्लोबल टेम्परेचर, प्रसिपिटेशन पैटर्न, दोनों ही इसके सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए ह्यूमन नीड्स और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें बैलेंस के लिए उसको क्या बोलते हैं, कौन सी टर्म है। आजकल ये टर्म बहुत चर्चा में है, दुनिया में हर जगह इसके बारे में चर्चा हो रही है। दैट इज, आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना, आने वाली पीढ़ी को बचाते हुए अभी वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना। ऐसा नहीं हो कि हम अभी कुछ ऐसा करें जिससे आने वाली जनरेशन के जो भविष्य है उसका खतरा हो जाए या उनके जो राइट्स हैं वो नहीं मिले और अभी हम हमारे बारे में सोचें। ये सस्टेनेबल गोल्स है, एक सतत विकास। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो उसको ह्यूमन बीइंग से थ्रेट है तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना दिया जा बोलते हैं। बायो जियोग्राफिकल रीजन विथ ए स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, ये भी सही है। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही सही है। और पर एंडेमिक स्पीसीज क्या है, एंडेमिक स्पीसीज वो होता है जो प्लांट और एनिमल्स एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, उनको एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट ओनली इन वन जियोग्राफिकल रीजन, पर्टिकुलर एक स्थानीय या स्थानिक रीजन में जो स्पीसीज है उनको एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। वॉट इज द करंट फंड ट्रांजेक्शन लिमिट अंडर यूपीआई, जो यूपीआई है करंट फंड ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है। इस पे कुछ बैंक्स तो जीरो चार्ज भी करते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट का, ये है 1 लाख। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इनमें से कौन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज करता है, ये है टेरी, TERI, और इसकी फुल फॉर्म होती है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, टेरी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई है, टेरी की स्थाप इसको एस्टैब्लिश किया है 1974 में। पहले इसका नाम ये द एनर्जी रिसोर्सेज, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नहीं था, इसका पहले नाम था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट था इसका पहले नाम, अभी ये है। हु इन्वेंटेड द WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको किसने इन्वेंट किया है। देखिए इसको जो WWW है इसको इन्वेंट किया था 1989 में, ये किया था टिम बर्नर्स ली ने। एक्चुअल में क्या है, हम जो देखते हैं इंटरनेट पे एक टेक्स्ट फॉर्म में उसको लिखा जाता है, जैसे कोई मैसेज टाइप करते हैं लिखते हैं वैसा किसी ने वेबसाइट पे लिख दिया, लेकिन उसमें एक फॉर्म और होती है, वो होती है HTML। तो इसमें टेक्स्ट में लिखते हैं लेकिन ये HTML डॉक्यूमेंट में ट्रांसमिट होता है। और कहाँ होता है HTML ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट में ट्रांसफ़र, ये ओवर द इंटरनेट, ये इंटरनेट पे ट्रांसफ़र होता है। अभी इंटरनेट पे कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये इंटरनेट पे ट्रांसफ़र होता है बाय ये वेब सर्वर, वेब सर्वर की मदद से इंटरनेट पे ट्रांसफ़र होता है टू वेब ब्राउजर,
और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है किसी यूआरएल के थ्रू। यूआरएल मैंने कल के टेस्ट में बताया आपको, https myupsc.com, ये यूआरएल हो गया। सो आपको ये ध्यान रखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IMPS एंड NEFT? देखिए ये ट्रांजेक्शन है, इनमें डिफरेंस क्या है। IMPS क्या होता है? IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है IMPS। NEFT क्या होता है? NEFT होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए IMPS इसको मैनेज करता है कौन? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जबकि जो NEFT है इसको कौन मैनेज करता है? RBI। एक तो इनमें ये डिफरेंस है। IMPS है ये अवेलेबल होता है 24/7, जबकि जो NEFT है ये अवेलेबल होता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। IMPS है ये रियल टाइम ट्रांसफ़र सिस्टम है, NEFT रियल टाइम ट्रांसफ़र सिस्टम नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन, बी। न्यूमूर आइलैंड इज लोकेटेड इन, न्यूमूर आइलैंड कहाँ पे है? देखिए न्यूमूर आइलैंड इंडिया में बोला जाता है इसको न्यूमूर आइलैंड, लेकिन इसका एक नाम और है, वो है साउथ तलपट्टी। ये साउथ तलपट्टी आइलैंड इसको बांग्लादेश में बोला जाता है। एक साइक्लोन आया था 1970 में, उस साइक्लोन का नाम था भोला, भोला साइक्लोन। भोला साइक्लोन की वजह से ये जो न्यू मूर आइलैंड है या साउथ तलपट्टी आइलैंड है ये अनहैबिटेड हो गया। ये क्रिएट होता है, देखिए जैसे सुंदरवन डेल्टा है वैसे ही डेल्टा करंट्स की वजह से ये क्रिएट होते हैं आइलैंड्स। ये लोकेटेड था, आपने सुना होगा, हरिभंगा रिवर, हरिभंगा रिवर के साउथ में था ये। और ये अभी जब समुद्र का पानी का लेवल बढ़ रहा है, आइस मेल्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये समुद्र का जब राइज हुआ सी लेवल तो ये डिसअपियर हो गया, अभी ये गायब हो गया। ये है बे ऑफ बंगाल। विच प्लानेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह हैं? देखिए इसका आंसर होगा सैटर्न। शनि के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, कितने हैं? 82 सैटेलाइट्स, जबकि पहले सबसे ज़्यादा थे जुपिटर के, अब शनि ने इसको ओवरटेक कर दिया है और जुपिटर के 79 सैटेलाइट थे, अब सैटर्न के 82 सैटेलाइट हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण इज नोन एज लोक नायक। CF एंड्रयू, ये CF एंड्रयू है, ये क्रिश्चियन मिशनरी थे जिनको दीन बंधु बोला जाता है। दादाभाई नारोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, लाला लाजपत राय पंजाब के। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दिस वन, बी। आप सब है जो, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाके जिनका 13 को एग्ज़ाम है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 29 वालों की बात नहीं कर रहा। जिनका 13 नवंबर को एग्ज़ाम है उनकी बात हो रही है। आप अपनी डिटेल्स सेंड कीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। कॉन्फिडेंट रहिए, खुद पे भरोसा रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।